हेलो फ्रेंड्स, जय साई राम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चिकन मैरिनेट कैसे करते हैं। तो चिकन मैरिनेट में जो लगने वाला इंग्रेडिएंट्स है वो है दही, अदरक लहसुन का पेस्ट जिसमें अदरक लहसुन सांभर और हरी मिर्ची का ये पेस्ट बना हुआ है, और इसमें जो लगने वाला है वो हल्दी के साथ है आधा नींबू। आप चाहे तो एक नींबू मतलब देख के डाल सकते हैं आपको जैसा डालना हो, और चिकन मसाला जो रेडीमेड भी मिलता है। सो देखिए अब इसे हम कैसे मैरिनेट करेंगे। एक्चुअली ये जो मैरिनेट का है ना चिकन मैरिनेट, वैसे आप सेम मटन का भी कर सकते हो, और ये चिकन मैरिनेट जो है आप इसका सब्जी मतलब मैं तो सब्जी के लिए यूज़ करूँगी, इसका सब्जी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बिरयानी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको। ये मैरिनेट ऐसा मैरिनेट करके आप ऐसा मैरिनेट करने से ना सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, चिकन बहुत टेस्टी बनता है। और ये मैरिनेट करने के बाद इसे ना कम से कम आधा घंटा तो भी रखना ही चाहिए, क्योंकि इसमें जो अपन फ्लेवर मिक्स कर रहे हैं वो पूरा इसमें मिक्स हो जाता है तो उसका टेस्ट और उभर के आता है। तो देखिए पहले मैंने इसमें जो डाला वो दही है, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट है और हल्दी, और अब लास्ट में डाल रही हूँ उसमें नींबू। और नमक इसमें हल्का सा डालिएगा, क्योंकि अब जब सब्जी बनाओगे तो उसमें भी नमक यूज़ करूँगी। प्लस आप जब सब्जी बनाओगे या ग्रेवी बनाओगे तो ग्रेवी में आप मसाले देख के डालिएगा, क्योंकि आप इसमें भी हल्के मसाले यूज़ कर रहे हो, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट है, हल्दी है और हल्का सा नमक है। तो आप जब ग्रेवी बनाओगे तो थोड़ा देख के बनाइएगा उसमें। कैसा लगा आपको ये वीडियो मेरा देख के बताइएगा कि कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिए मैंने लास्ट में इसमें चिकन मसाला डाला है जो रेडीमेड था। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। बाय।